नमस्कार, स्वागत है आपका आज दिन भर के इस अंक में। मैं हूं दीपिका। आइए सबसे पहले रुख करते हैं प्रमुख गतिविधियों की ओर। हमीरपुर के ठाकुर जगदेव चंद स्मृति सौध संस्थान नेरी में 23 और 24 नवंबर को राष्ट्रीय संगोष्ठी में देश भर से सैकड़ों विद्वान लेंगे भाग। राष्ट्रीय संगोष्ठी का शुभारम्भ किया जाएगा प्रदेश मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के द्वारा। गौतम कॉलेज में चल रहे यूथ फेस्टिवल ग्रुप 4 का समापन भी रहा शानदार। समापन समारोह में हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के उपकुलपति डॉक्टर सिकंदर कुमार ने की शिरकत। अतिथि महोदय ने प्रथम, द्वितीय व तीसरे स्थान पर रहे छात्रों को पुरस्कार देकर किया सम्मानित। सुजानपुर टिहरा में नापतोल विभाग द्वारा स्थानीय दुकानदारों के इलेक्ट्रॉनिक कांटे और तराजू पर लगाई गई मोहरे। मोहरे लगाने का सिलसिला 23 नवंबर तक रहेगा जारी, कहा विभाग के निरीक्षक एन के ठाकुर ने। समग्र शिक्षा अभियान के तहत राजकीय केंद्र प्राथमिक पाठशाला स्वारघाट में विकलांग बच्चों के लिए एक दिवसीय खेलकूद व चित्रकला प्रतियोगिता का किया गया आयोजन। प्रतियोगिता में 12 छात्रों और 12 छात्राओं ने लिया भाग।